जी टीचर स्टूडेंट्स हम चैप्टर का आज फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेटे आज हम डिस्कस करेंगे और इस इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जिन्हें आप लोगों ने याद करना है सबसे पहली डेफिनेशन है बेटा सेलुलर रिस्पायरेशन चूंकि नाइन्थ में आप लोगों ने इस चीज को डिटेल में पढ़ रखा है तो उसके जो मेन इंपॉर्टेंट आगे की तरफ मूव करूंगा डाउन एक ऐसा फिनमिना जिसमें ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ब्रोकन डाउन होती है ये टूटते हैं एक्चुअली ये जो ब्रोकन का फिनोमिना इसमें ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके ये जो बॉन्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं सी एच बॉन्ड ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इसकी ब्रेकिंग की बात की जाती है क्योंकि ये हाईली इनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड्स हैं और जिस वक्त ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स इनके दरम्यान ये जो है ब्रेक करते हैं तो इनके ब्रेक करने से अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा द प्रोसेस इन विच Carbon hydrogen bonds are broken down. The process in which oxidation and reduction taken place for the broken of carbon or hydrogen bond for the yielding of energy. The broken of carbon hydrogen bond to produce the energy that is in the form of ATP. So carbon hydrogen ke bonds ki oxidation and reduction ka hona जिससे इनर्जी का रिलीज होना इसी फिनमिना को बेटे कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन और हर इंडिविजुअल सेलुलर रिस्पायरेशन करता है बेटा चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ही क्यों ना हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक ही क्यों ना हो स्मॉल हो या लार्जर हो हर सेल हर इंडिविजुअल ये सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता ही है अब ये जो सेलुलर रिस्पारेशन का प्रोसेस है इसमें जिस वक्त ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रोकन डाउन होती है तो एक एसेसरी कंपोनेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है समटाइम ऐसा होता है बेटा कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती तो ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती उसे कहते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन लेकिन अगर ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इसे कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है एन में कंप्लीट नहीं होती एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो ग्लूकोज के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड फुली तौर पर ब्रेक करते हैं और उनके ब्रेक करने से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी या एनर्जी बेटा रिलीज होती है ये जो मुकम्मल फेनोमेना बेटा इसी फेनोमेना को कहा जाता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन का फेनोमेना अब सेलुलर रिस्पायरेशन का फिनमिना ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रेजेंस या उनकी ब्रोकन डाउन के प्रोसेस को करवाना होता है बेटा अगर ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ब्रेक करता है बेटा यानी कि एरोबिक ब्रेकडाउन होती एरो तो सारी के सारी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के दरमियान जो रिस्टोरिंग एनर्जी है वो एटीपी में बदल जाती है लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं एन एरोबिकली रिस्पायरेशन होती है तो उस एन अरबिक ये ए एटीपी है ये मुकम्मल नहीं बन पाती तो उसमें कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स लाइक लैक्टिक एसिड बन जाता है इसमें आ, कुछ और भी अल्कोहलिक कंपाउंड बन जाते हैं तो ये थर्टी सिक्स रेशियो टू है अगर एरोबिक होगी तो थर्टी सिक्स ए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और अगर एन होगी तो जस्ट टू ए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो देर इज अज डिफरेंस बेटा तो हमारा पहला पॉइंट हो गया बेटा सेलुलर स्पेरेशन का सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा गैसेस एक्सचेंज का ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा देखें, मुकम्मल ये जो सेलुलर सेलूलरेशन का फिनमिना है इसमें ऑक्सीजन एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है ऑक्सीजन का एनिमल की या प्लांट की बॉडी में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी से रिमूव होना इस फिना को बेटे कहा जाता है गैसेस एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज ज अ फिनिना इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब एक ऐसा फिनमिना जिसमें ऑक्सीजन एब्सॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना इसी फिनमिना को गैसेस एक्सचेंज कहते हैं लेकिन हर एक इंडिविजुअल के अंदर यह फिनमिना डिफरेंट होता है ह्यूमन जो होते हैं इनमें दो स्टेप्स के अंदर ऑक्सीजन की एब्जॉर्बशन होती है पहला ऑक्सीजन एक पर्सन की बॉडी में एंटर होती है ऑक्सीजन नॉस्ट्रल्स के थ्रू नोज के थ्रू बॉडी में एंटर होती है और लंग्स तक जाती है लंग्स से फिर उस ऑक्सीजन को ब्लड में भेजा जाता है फिर वो ब्लड हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और फिर वो एरोबिक रिस्पायरेशन करता है तो आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत लॉन्ग चेन है तो ऐसा फिनोमेना जिसमें ऑक्सीजन बॉडी में एब्सॉर्ब होगी और बॉडी में एब्सॉर्ब होने के बाद उसे इंडिविजुअल सेल तक पहुंचाया जाएगा जिससे वो इसे ब्रेकडाउन करेगा और इन अपनी एनर्जी बनाएगा ये गैसेस एक्सचेंज का पहला पाथ है बेटा दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और वो ब्लड में आती है कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकली और ब्लड में आई ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है लंग्स के पास बेस है और फिर यह जो लंग्स हैं जब बाहर एक्सहेल करते हैं जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो चीजें एंटर होती हैं जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी जिससे वो लंग्स में गई तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाती है बेटा तो ये एक मुकम्मल साइकिल फिनमना और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर रिमूव होना इस मुकम्मल फिनमिना को बेटा गैसेस एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है और किसी भी प्लांट की और किसी भी एनिमल की प्राइम प्रॉपर्टी है प्लांट्स के केस में होता यह कि प्लांट्स की जो जनरल सर्फिस होती है उनके जो लीव्स होते हैं उनमें कुछ माइन्यूट सी टाइनी सी ओपनिंग्स होती हैं उन्हें कहते हैं बेटा स्टोमेटा स्टोमेटा से ऑक्सीजन प्लांट बाहर रिमूव करवाता है

एज वेल एज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एक ऐसा फिनमिना जिसमें एयर एंटर हुई और रिमूव हुई इस फिनमिना को बेटा ब्रीथिंग कहा जाता है अब ये जो ब्रीथिंग का फिनमिना बेटा इस ब्रीथिंग के फिनमिना में बॉडी पे कुछ चेंजेस आते हैं इसे हम फिजियोलॉजिकल या मैकेनिकल चेंजेस भी कहते हैं जिसमें बॉडी मूव करती है अब ये जो गैसेस की एंट्री और एग्जिट है इस पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो आप लोगों को तंग करेगी बेटा वो मैं अभी बता दूं एक एनिमल की बॉडी में जब वो एयर इनहेल करता है तो ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है लेकिन जब एक एनिमल रिमूव गैसेस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाती है ये तो है एनिमल का केस प्लांट के केस में जिस वक्त गैसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें टर्म ब्रीथिंग इस्तेमाल नहीं की जाती हम उसे गैसेस एक्सचेंज ही कहते हैं दोनों एक ही चीज के आल्टरनेटिव पार्ट्स हैं बेटा लेकिन ब्रीथिंग की जो टर्म है ये सोलोली एनिमल्स के लिए अप्लाई होती है ब्रीथिंग का फनामिना सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है बेटा कि ये फनोमिना एनिमल्स में होता है अब क्वेश्चन आता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फर्क होता है बेटा दो पॉइंट्स हैं बेटा ब्रीथिंग और जो सेलुलर रिस्पायरेशन होते हैं ये दोनों ही गैसेस की इन्वॉल्वमेंट के फेनोमनाज हैं जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो इनर्जी येनोमिना है ब्रीथिंग जो है वो गैसेस का इन्वॉल्वमेंट का फेनोमना है डायरेक्टली इनमें कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन ब्रीथिंग का ये जो फिनमिना है ये फिजिकल फिनमिना है सिर्फ फिजिकल फिनमिना जिसे हम मैकेनिकल फिनमिना कहते हैं कोई भी सेलुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती नो बायोकेमिकल फिनमिना लेकिन ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन का फिनमिना ये मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है तो जो रिस्पायरेशन है बेटा ये जो रिस्पायरेशन का फिनमिना ये फिजिकल भी है जिसे मैकेनिकल भी कह सकते हैं या और ये बायोकेमिकल भी है क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल के ऊपर बॉन्ड्स की ब्रोकन डाउन होती है बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं लेकिन जो ब्रीथिंग का फिनोमेनस है इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करता इसमें जस्ट गैसेस की इन्वॉल्वमेंट है एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है डायफ्राम में चेंज आता है चेस्ट कैविटी का जो एरिया है उसमें चेंज आता है लेकिन ये सॉली तौर पर मैकेनिकल फिनोमेना बेटा मैकेनिकल प्रोसेस है बेटा तो ये इनका प्राइम डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन तो बेटा ये तीन डेफिनेशन थी आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इस चैप्टर का पहला हिस्सा है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का फिनमिना किस तरह से होता है इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज का फैनिना किस तरह से होता है टिल देन के लिए बेटे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़